रोहिणी कोर्ट में गैंगवार और बम ब्लास्ट के बाद दिल्ली में कोर्ट की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। कोर्ट की सुरक्षा को लेकर अलर्ट हो रहा है। इसी कड़ी में साकेत कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने मॉक ड्रिल की, जिसमें पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई कि साकेत कोर्ट के लॉबी में एक लावारिस बैग है जिसमें से तार निकल रही है, चिक चिक की आवाज आ रही है। पीसीआर कॉल मिलते ही मौके पर दिल्ली पुलिस के साथ दूसरी एजेंसियां, बम स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। बम स्क्वाड ने लावारिस बैग की जांच की और आधे घंटे में मॉक ड्रिल को कंप्लीट किया। डीसीपी ने बताया कि इस मॉक ड्रिल के पीछे मकसद था कि हमारा रिस्पांस टाइम क्या है, यदि कोई भी विषम परिस्थिति आती है तो हम उसे कैसे मैनेज करते हैं, उससे कैसे निपटते हैं। हमने साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक मॉक ड्रिल प्लान किया जिसमें हमारी पीसीआर कॉल ये आई कि मेन बिल्डिंग लॉबी पे एक लावारिस बैग पड़ी हुई है, उसमें से तारे दिख रही है और टिक टिक की आवाज़ आ रही है। तुरंत ही हमने अपना डॉग स्क्वाड, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, क्राइम टीम, एम्बुलेंस, फायर इंजन सभी को मैसेज दे दिया। सभी ऑफिसर्स, ACP, SHO, लोकल स्टाफ, कोर्ट के इंस्पेक्टर, हम सभी लोग तुरंत मौके पर पहुँच गए। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड आई और अपनी कार्रवाई पूरी करके बॉम्ब को डिटोनेट कर दिया, सेफ डिक्लेयर किया गया। सिक्योरिटी इशू काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, रोहिणी में भी इशू हुआ था और 30,000 में भी हुआ। ये सिक्योरिटी पे हमारे यहाँ हाई कोर्ट बड़ा सीरियस व्यू ले रही है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए भाई इमरजेंसी में अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज किया गया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।